हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी ईसीआर अप्रेंटिस 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 8 फरवरी 2022 से, और लास्ट डेट कब एप्लीकेशन फॉर्म का, 7 मार्च 2022, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की कब है, 7 मार्च 2022, और एग्जाम डेट कब होगा उसको नोटिफाई किया जाएगा बहुत जल्दी। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए एक भी फीस नहीं लगेगी। सेम है ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या पीएच हो, उनके के लिए भी एक भी फीस नहीं लगेगी, मतलब 0 फीस रहेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा है क्लास 10 हाई स्कूल विथ 50% मार्क्स विथ ITI सर्टिफिकेटेड इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब 50% आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, हाई स्कूल में होने चाहिए, उसके साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस रिक्वायर्ड रेट, मतलब जो रिक्वायर्ड ट्रेड है या स्ट्रीम है उससे रिलेटेड। और कितनी पोस्ट है, टोटल 756 पोस्ट है। RRC भुवनेश्वर अप्रेंटिस एज लिमिट अब देख लेते हैं, जो 7 मार्च 2022 पे कितना होना चाहिए, मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 24 साल। तो ये हो गया हमारा एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी पोस्ट है और फिर एप्लीकेशन फ़ीस कितना है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसके रिगार्डिंग हमने बात कर लिया। ये इसका ऑफिशियल PDF मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ऑफिशियल PDF है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर, ये ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, 8 फरवरी 2022, और लास्ट डेट कब है, 7 मार्च 2022। इसको मैं इस PDF का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज ईस्ट कोस्ट रेलवे 2022 का जो अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म है उसके बारे में। थैंक यू।